देखिए, बेटिंग टिकट बंद करने से कितना ट्रेनें खाली हैं, आप बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो आगे से जाके बैठेंगे, और अगर आप पकड़े गए तो आपको डबल चार्ज भी भरने होंगे और आपको ट्रेन से उतार भी दिया जाएगा। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बेटिंग टिकट कभी लेके सफ़र ना करें, क्योंकि कभी भी पकड़े जाएंगे। कोई भी स्टेशन से आप चढ़े हैं तो आपको चार्ज देना ही देना होगा। देखिए, एक सीट पे एक, एक सीट पे एक, इस तरह से आप आनंद से सो के जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई जिसका कंफर्म टिकट रहता था वो भी चैन के साथ नींद सो नहीं पाता था। अब हर व्यक्ति के पास एक टिकट पे एक सीट रहेगा और आराम से सो के जा भी सकता है। तो ये तो नियम मुझे भी बहुत अच्छा लगा है सफ़र करने के लिए। अगर आपके पास टिकट है तो 4 महीने पहले कैसे काटा जाता है, आप पहले से टिकट निकाल लें। काउंटर के क्या क्या नियम हैं टिकट निकालने से, कैसे आपको कंफर्म मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा। और ऑनलाइन टिकट निकालने से क्या नुकसान होगा, सब कुछ बताऊंगा। लगातार बने रहिए वीडियो में। अब आप बेटिंग टिकट में सफ़र नहीं कर पाएंगे, अगर सफ़र करना भी चाहेंगे तो आपको चार्ज देने होंगे, क्योंकि अब जो है बंद हो चुका है, जो है बेटिंग टिकट बंद हो चुका है। जब तक आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा आप सफ़र नहीं कर पाएंगे, वो टिकट चाहे काउंटर से हो चाहे ऑनलाइन से हो। अगर आपका टिकट कंफर्म होगा तभी आपको सीट मिलेगा, तभी आप सफ़र कर पाएंगे, क्योंकि बेटिंग बिल्कुल ही बंद हो गया है। अगर आप पकड़े गए तो आपको पेनल्टी भरना होगा। आप काउंटर से टिकट लेते हैं तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप वहाँ पर फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपको जो पेपर दिया जाता है वहाँ पे लिखा रहता है आप राशि किस तरह देना चाहते हैं, कैश देना चाहते हैं कि ऑनलाइन। तो वहाँ पे ऑनलाइन का जो ऑप्शन होता है आप हमेशा ऑनलाइन चुनें और अपना जो UPI नंबर वहाँ पे लिख देंगे, तो आपके मोबाइल से ऑनलाइन पैसा कट जाएगा। जो है कि अगर आपका टिकट, वो मान लीजिए कि अभी कन्फर्म नहीं हुआ, तो आपका जो पेमेंट है आपको काउंटर पर नहीं जाना पड़ेगा, आपका जो अमाउंट है आपके खाते में रिटर्न आ जाएगा अगर टिकट कन्फर्म नहीं हुआ। अगर आप कैश वहाँ पे देते हैं तो आपको क्या है, टिकट कैंसिल करने के लिए फिर से काउंटर पे जाना होगा, तभी आपका जो टिकट है कैंसिल हो पाएगा। और ऑनलाइन अगर आपका टिकट बेटिंग है कंफर्म नहीं हुआ, तो आपको तो मालूम है 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है, 60 रुपये चार्ज लगता है, फिर भी आपके अकाउंट में आ सकता है। और जो मैं आपको बताया ऑनलाइन, उस पर 5% कैश बैक भी रहता है, जो है टिकट का दाम भी कम लगता है और आपका जो पैसा है पूरा मिल जाता है, चार्ज नहीं लगता है। बहुत ट्रेनों में जो है चार्ज लग जाता है टिकट कैंसिल करने पे, मगर ऐसे में नहीं लगेगा। तो आज आपको बताने वाला हूँ।